गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग बुक, पेंसिल, इरेजर, नोटबुक के साथ रेडी हो जाइए। चलिए आप लोग बुक नोटबुक निकाल लीजिए, मैं वेट करती हूँ। तो हमारा क्लास कौन सा है? क्लास एल के जी हमारा, और सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैथ है। कल हम लोगों ने स्किप काउंटिंग 2 का पढ़ा था, आज हम लोग स्किप काउंटिंग 5 का देखेंगे। हमारा पेज नंबर 31 है, तो आप लोग पेज नंबर 31 बुक में ओपन कर लीजिए। पेज नंबर हमारा कितना है? 31। निकाल लीजिए आप लोग भी, बुक ओपन कर लीजिए। कल हम लोगों ने स्किप काउंटिंग 2 पढ़ा था, जिसमें हमें एक डिजिट को स्किप करना था, यानी एक को छोड़ कर नेक्स्ट यानी जंप करना था, एक डिजिट को छोड़ कर उसे स्किप करना था। उसी तरह आज हम लोग स्किप काउंटिंग 5 देखेंगे। चलिए आप लोग रेडी हो जाइए। पेज नंबर हमारा 31 है। चैप्टर 19, चैप्टर कितना हमारा? 19 है। चलिए चैप्टर नेम हमारा है स्किप काउंटिंग इन 5। स्किप काउंटिंग इन 5। आप लोग बुक ओपन करके देख सकते हो, पेज नंबर हमारा 31 है। तो हमने स्किप काउंटिंग 2 में देखा, तो उसमें हम लोगों ने एक डिजिट जंप किया था, इसमें हम लोग 5 है तो 4 डिजिट जंप करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमें 0 दिया हुआ है, इससे हमें बोला है 0 है, 5 है, 10 है, तो हमारा कितना स्किप हो रहा है? ये देखिए हमारा, ये मान लीजिए हम यहाँ काउंटिंग लिख रहे हैं, एक लाइन है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए 0 से स्टार्ट हुआ, तो हम लोग भी 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 0 के बाद क्या लिखा है? 5। 0 के बाद कहाँ जंप करना है? 5 पे। बीच में कितना डिजिट को स्किप किया? 1, 2, 3, 4, यानी 4 डिजिट को हम लोग स्किप कर देंगे। इसी तरह 5 के बाद देखिए पैटर्न में 10 है, तो देखिए कितना 10 पे जंप कर रहा है। देखिए बीच में कितना डिजिट आ रहा है? 5 और 10 के बीच 6, 7, 8, 9, ये 4 डिजिट हमने इसके यानी स्किप करना है। और फिर नेक्स्ट हम किस पे जंप करेंगे? तो देखिए आगे 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14 and 15, 1, 2, 3, 4, यानी 4 डिजिट हमने स्किप कर दिया, तो किस पे जंप होगा? 15 पे होगा। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? 15। इसी तरह हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों को उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। अब हम लोग बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं, बुक में हमें क्या बोलना है क्वेश्चन। आप लोग यहाँ बुक देख सकते हो, बुक में बोला सी द पैटर्न एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स। पैटर्न देखते हुए हमें फिल यानी कि मिसिंग नंबर को लिखना है, फिल करना है, क्या होगा मिसिंग नंबर। आप लोगों को समझ आ गया होगा, यानी देखिए यहाँ पैटर्न में 0 के बाद 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है। 0 के बाद कहाँ जंप किया? 5 पे। तो बीच में कितना डिजिट हमने स्किप किया? 1, 2, 3, 4। इसी तरह फिर हमें देखिए 5 के बाद क्या था पैटर्न में? 10। 5 के बाद हमने 10 पे यानी जंप किया, देखिए स्किप, तो बीच में कितना डिजिट हमने स्किप किया? 1, 2, 3, 4, यानी बीच में 4 डिजिट स्किप करना है। और फिर हमने देखिए 10 के बाद क्या होगा हमें नहीं पता था, हम लोगों ने हमारा खाली बॉक्स था, इसे मिसिंग नंबर को हमें भरना था। तो देखिए 4 डिजिट हम लोगों ने स्किप किया, 11, 12, 13 and 14 स्किप हो गया। तो इसके बाद क्या होगा? 15 होगा। तो 10 के बाद कहाँ हम लोग जंप करेंगे? 15 पे करेंगे। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग बुक से क्वेश्चन देखेंगे क्या बनाना है। चलिए बुक से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है सी द पैटर्न एंड फिल इन द मिसिंग नंबर।
नंबर्स। मिसिंग नंबर्स। देखते हैं हमें पैटर्न में क्या दिया हो, आप लोग बुक देख सकते हो। पहला पैटर्न क्या है, 5 है। उसके बाद बॉक्स में हमें 10 दिया हुआ है, फिर हमें 15 दिया हुआ है, उसके बाद 20 है और आगे हमें खाली बॉक्स दिया हुआ है जिसे हमें फिल करना है। देखिए मैंने बताया था 4 डिजिट जंप करना है 20 के बाद, तो 20 से हम लोग काउंटिंग लिखना शुरू करते हैं। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। देखिए 20 के बाद हमें 4 डिजिट को स्किप करके नेक्स्ट पे जंप करना। देखिए यहाँ हमारा 20 है, इसमें हम कितना डिजिट स्किप करेंगे, 4। तो 1, 2, 3 and 4 ये हमारा स्किप हो गया। तो हम 20 के बाद कहाँ जंप करेंगे, 25 पे। यहाँ क्या हो जाएगा, 25। नेक्स्ट फिर हम 25 से 4 डिजिट स्किप करेंगे। तो देखिए 26, 27, 28, 29 हमारा क्या हो जाएगा, ये चारों स्किप हो गया। तो फिर हम किस पे जंप करेंगे, 30 पे। यहाँ क्या हो जाएगा, 30। इसी तरह हम नेक्स्ट आगे जंप करेंगे तो 35 हो जाएगा और इसके नेक्स्ट 40 हो जाएगा। चलिए ये हमारा पहला सॉल्व हो चुका है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न में हमें क्या दिया हुआ है। आप लोग भी बुक में देख सकते हो नेक्स्ट पैटर्न। देखिए 35, 40 and 45 दिए हुआ। देखिए 35, 40, 45 बाकी बात हमें ब्लैंक बॉक्स है, इसे हमें फिल करना है पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो देखिए हमें 5 कितना काउंट है, स्किप काउंटिंग 5 है। तो हमें कितने नंबर के बीच में छोड़ना है, तो 4 नंबर को छोड़ना है और 5वें पे जंप करना। तो यहाँ कितना है, 35 है, 40 है, 45। तो 45 से हम लोग काउंटिंग लिखना शुरू करते हैं। देखिए 45 है। देखिए ये हम मान लीजिए ऐसे हम काउंटिंग, मेरा फूड नहीं है ज़्यादा जगह इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। यहाँ क्या है, 45 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमने 45 से स्टार्ट किया, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। इसके बाद क्या हो जाएगा, 60, 60। आप लोग भी ऐसे बनाइए। तो देखिए यहाँ हमें 45 है, इसके बाद क्या लिखना है, हमारा स्किप काउंटिंग 5 है। तो देखिए हमें बीच में कितना नंबर, कितना डिजिट छोड़ना है, तो देखिए 4। ये हमारा 45 हो गया, हमने 4 डिजिट छोड़ना है। तो 1, 2, 3, 4 ये चारों 46, 47, 48 and 49 हमने छोड़ दिया, स्किप कर दिया। हम कहाँ जंप करेंगे, 50 पे। तो यह क्या हो जाएगा, 50। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं, फिर हम लोग 51, 52, 53, 54 स्किप कर देंगे, यानी इसे हम छोड़ देंगे। तो फिर हम 50 से कहाँ जंप करेंगे, 55 पे। यहाँ क्या हो जाएगा, 55। फिर हम 4 डिजिट को स्किप करना है, तो 1, 2, 3, 4 ये चारों हम स्किप करते हैं। तो फिर हम कहाँ जंप करेंगे, 60 पे। इसी तरह कर करके हमें 4 डिजिट को छोड़ना है। काउंटिंग को आता ही आप लोग काउंटिंग लिख लिख कर उसके बाद क्या हो जाएगा, 60 व 65 हो जाएगा और यहाँ 70 हो जाएगा। तो आप लोग इसे देख सकते हैं। फिर अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा 20, 25 and 30। हमें बॉक्स में 20, 25, 30 दे रखा है और बाकी बात ब्लैंक छोड़े हुए हैं। तो देखिए हमें ब्लैंक में क्या डालना, ब्लैंक बॉक्स में हमारा खाली बॉक्स में मिसिंग नंबर पैटर्न के अकॉर्डिंग डालना है। तो देखिए यहाँ 30 है, तो 30 के बाद हम कौन कौन सा डिजिट स्किप करेंगे। देखिए मान लीजिए मैं यहाँ काउंटिंग लिख रही हूँ, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
थर्टी के बाद हमें क्या करना है, चार डिजिट को स्किप करने यानी छोड़ देना, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट पे जंप करने। तो 1 2 3 4 31 32 33 34 को हम लोग स्किप कर देंगे, तो यहाँ क्या जंप करेंगे 35 पे, यहाँ क्या हो जाएगा 35। इसी तरह फिर हम क्या करेंगे, चार डिजिट को स्किप यानी छोड़ना है, तो 1 2 3 4 ये चारों को हमने छोड़ दिया। इसके बाद कौन सा डिजिट आ जाएगा, 40। फिर हम लोग क्या करेंगे, चार डिजिट छोड़ेंगे, तो 1 2 3 4 यानी 41 42 43 44 हम स्किप करेंगे, तो कहाँ जंप होगा हमारा 45 पे। इसी तरह हम आगे में काउंटिंग लिखेंगे, अभी जगह नहीं आप तो नोटबुक पे लिख के कर सकते हो। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 50। फिर 50 से हम लोग नेक्स्ट चार डिजिट छोड़ कर जंप करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है, 50 20 25। हमारा इसी लाइन पे वो भी काम हो जाएगा। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ नेक्स्ट बॉक्स में, नेक्स्ट बॉक्स देख सकते हैं आप लोग। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हमें दिया हुआ है 15 20 25 तक हमें दिया हुआ है, इसके आगे हमें फिल करना है। तो देखिए हम लोग क्या फिल करेंगे, देखिए हम लोग यहीं से में बढ़ा लेते हैं 25 26 27 28 29। देखिए 25 के बाद क्या होगा, तो 25 के बाद देखिए हम यहाँ पे चार डिजिट छोड़ते हैं, 1 2 3 4 ये छोड़ दिया हमने। नेक्स्ट पे हम लोग जंप करेंगे तो क्या आ जाएगा 30, तो यहाँ क्या हो जाएगा 30। फिर हम लोग चार डिजिट फिर स्किप करेंगे, तो 1 2 3 4 ये हमने स्किप कर दिया यहाँ तक, तो फिर नेक्स्ट डिजिट कौन है 35। इसी तरह फिर हम चार डिजिट स्किप करते हैं, तो देखिए यहाँ से यहाँ हमारा स्किप हो गया, तो कौन सा हो जाएगा 40। इसके बाद कौन सा डिजिट आ जाएगा, हम चार डिजिट स्किप करेंगे तो 45, और 45 के बाद चार डिजिट हमें छोड़ना है और नेक्स्ट पे जंप करना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप लोग भी साथ साथ बुक में बनाते रहिए जैसे, और आप लोगों को उम्मीद करके अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। देखिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग बुक में देख सकते हो, 45 50 and 55 दिया हुआ बुक में, और इसी के अकॉर्डिंग हमें आगे बनाना है। तो क्या है हमारा 45 है, 45 यहाँ क्या दिया हुआ है 45, नेक्स्ट है 50, नेक्स्ट है 55, और इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ये बॉक्स फिल करना है। तो देखिए हम यहाँ क्या फिल करेंगे, मैंने यहाँ ज्यादा ही कर दिया, 1 2 3 6 यहीं तक था। तो चलिए बनाते हैं 55 के बाद हमने चार डिजिट यानी छोड़ना था, 56 57 58 और 59, ये चारों हम लोग क्या करेंगे छोड़ देंगे। तो 59 के बाद क्या हो जाएगा 5 यानी पांचवा डिजिट कौन सा आएगा 60। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चार डिजिट को छोड़ना है, 61 62 63 and 64 को हम लोग छोड़ देंगे। तो 64 के बाद क्या आएगा 65। इसी तरह फिर हम लोग 65 के बाद चार डिजिट छोड़ते हैं, 66 67 68 and 69 ये हमारा चारों क्या होगा, इसे हमें छोड़ना है। तो 5 यानी पांचवा कौन सा हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो ये पैटर्न देख सकते हैं आप लोग, हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आप लोग इसे पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बचा हुआ उसे बताती हूँ, इसमें जगह नहीं है। आप लोग जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो नोटबुक में इसे नोट करें। तो चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इसे रेस कर देती हूँ और नेक्स्ट देखते हैं हमारा बचा हुआ उसे हम लोग। आप लोग बुक में देख सकते हो, बुक में इसी तरह फिल कीजिए, हमारा अब 60 65 70 है। नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ बॉक्स में 60 65 and 70। इसके आगे हमें तीन बॉक्स यानी ब्लैंक बॉक्स है, खाली बॉक्स है, उसे हमें फिल करना है पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो पैटर्न तो आपको पता ही है, चार नंबर छोड़ के और पांचवें पे जंप करना है, यानी कि 70 है तो 70
17 आप लोग देख सकते हो, 4 डिजिट अगर हम लोग छोड़ रहे हैं 71 72 73 एंड 74 हम लोग क्या करेंगे छोड़ेंगे, हमारा क्या हो जाएगा पांचवा 75। फिर हम लोग 75 से अगर स्टार्ट करते हैं 76 77 78 79 स्किप होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 80, इसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा 85। चलिए हम लोग नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, तो यहाँ हमें दिया हुआ 75 80 दिया हुआ है और इसके आगे हमें 3 बॉक्स ब्लैंक है, देखते हैं इस 3 बॉक्स में क्या होगा। फिर देखिए 80 के बाद अगर हम 4 डिजिट छोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 85, फिर 85 के बाद छोड़ते हैं तो क्या होगा 90 के बाद छोड़ते हैं तो 95। नेक्स्ट हमारा है 80 दिया हुआ है 85 और हमें 3 बॉक्स ब्लैंक दिया हुआ है, तो देखिए 85 के बाद क्या हो जाएगा 4 डिजिट छोड़ेंगे तो और पांचवा क्या होगा 90, फिर 95 और नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा 100। उम्मीद करती हूँ आप लोग इसे नोट कर लीजिए और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा और होमवर्क में आप लोग इसे ही रिवीजन कीजिएगा, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में इसकी काउंटिंग 10 देखेंगे। चलिए आज का क्लास हमारा यही एंड होता है, थैंक यू।